अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चीज़ किचन। आज मैं आपको भरवर हरी मिर्च की रेसिपी बताऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है, आप इसको आराम से सहरी में भी बना के खा सकते हैं। आइए देखते हैं भरवर हरी मिर्च की रेसिपी। वीडियो से पहले आप सभी को रमज़ान मुबारक। सबसे पहले हम हरी मिर्च लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने हरी मिर्च थोड़ी मोटे साइज़ की ली है, क्योंकि मोटे साइज़ की जो हरी मिर्च होती है वो थोड़ी कम तीखी होती है। इस तरह से इसे बीच में से कट करेंगे और इसके सारे बीज निकाल लेंगे, जिससे इसका तीखापन थोड़ा कम हो जाए। आप जानते हैं जो मोटी हरी मिर्च होती है वो थोड़ी कम तीखी होती है। मिर्च हमारी तकरीबन 100 ग्राम है। इस तरह से सारे बीजों को हम निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे बीज निकाल दिए हैं। इस तरह से आपको मिर्च खाली करनी है। सभी मिर्च कट होने के बाद अब हम इसके मसाले तैयार करेंगे, जिसमें कि हमने 50 ग्राम सौंफ ली है, 50 ग्राम धनिया लिया है और 1 चम्मच हमने राई ली है। इन सभी चीज़ों को हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। सभी चीज़ों को हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। आप देख सकते हैं हमने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, हल्का सा दरदरा पीसा है। अब हम मसाले में नमक ऐड करेंगे। नमक हमारा 1 चम्मच है। 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। मस्टर्ड ऑयल हमारा पका हुआ था। हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से चलाते हुए चीज़ों को मिक्स करेंगे। सभी चीज़ मिक्स होने के बाद इसमें हम 1 चम्मच पानी ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना, हमने 1 चम्मच ऐड किया है, और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारा पेस्ट है वो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है। अब हम अपनी जो मिर्चें हैं इनको भरेंगे। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा पेस्ट लेके मिर्च के अंदर इसको भर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी लग रही है। खुशबू भी अभी से बहुत ही अच्छी आ रही है। जो मसाला होता है इसका बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। सभी मिर्च को इस तरह से हम भर देंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो मेरे चैनल की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। इस रेसिपी को आप आराम से सहरी में भी बना के खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आराम से बन जाती है। अब हम सभी मिर्चों को इस तरह से भर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से भर रही हूँ। मैं ज़्यादा ऊपर तक भी नहीं भर रही, सिर्फ हल्का हल्का इसको भर रही हूँ। मिर्चें भरने के बाद अब हम मिर्चों को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने 1 चम्मच तेल लिया है और 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है। ज़ीरे को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। ज़ीरा भुनने के बाद अब हम इसमें मिर्च ऐड करेंगे जो हमने भर के रखी थी। आप देख सकते हैं अब हम एक एक करके मिर्च को लाइन से लगाएंगे। इस तरह से, जिस तरह मैं लगा रही हूँ, गैस फ्लेम हमारी मीडियम है। इस तरह से लगा देंगे मिर्च को हम। यकीन मानिए, तेल में डालते डालते ही इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हमने सभी मिर्चों को तेल में डाल दिया है। इसको हल्का सा चलाएंगे ताकि जो ऑयल है वो सब जगह से इक्वल आ जाए। अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। इस तरह से चारों तरफ फैलाते हुए हमने पानी ऐड किया है, और जो हमारा बचा हुआ मसाला था वो भी इसके ऊपर से डाल देंगे, ताकि वो वेस्ट ना हो, और इससे भी इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इस तरह से डाल देंगे। अब हम इसको ढककर लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो हमारी मिर्च है वो अच्छे से गल जाए। देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए हैं, मिर्च अच्छे से जो गल गई हैं। हमारी भरवर हरी मिर्च बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।